बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज वाकई याद आया हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का। जी, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ये मिस्र के बहुत बड़े मुहद्दिस और बड़े औलिया कामिलीन में शामिल हैं, बड़े वली हैं। इन्होंने अपना वाक्य खुद बयान किया, कहा कि मैं एक दफ़ा जंगल की तरफ निकला तो एक पहाड़ देखा और पहाड़ के ऊपर बहुत से लोग जमा हैं। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि आवाम जमा है, बीमार लोग बहुत से जमा हैं और कह रहे हैं कि पहाड़ की गार में एक अल्लाह वाले रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, वो साल में एक मरतबा निकलते हैं, तो निकल के वो मरीजों पर दम करते हैं तो वो मरीज़ सेहतियाब हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सारे मरीज़ हैं जो यहाँ जमा हुए हैं और उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो साल कब निकलेंगे। तो कहा कि मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात थी, मैंने कि सोचा चलो कौन यहाँ साहिब नस्बत बुज़ुर्ग मौजूद हैं, तो मैं भी उन लोगों में ठहर गया। कहा कि एक अरसे तक ठहरा तो पता चला कि वो बुज़ुर्ग आज निकले। अब गार में से जब वो निकले हैं तो कहा मैं देखा कि दुबला पतला बदन है, नहीफ हैं और आंखों पर हल्के पड़े हुए हैं, कमज़ोर से एक बुज़ुर्ग वो बाहर निकले और निकले उन्होंने आसमान की तरफ भी देखा और देखा पता कुछ पड़ा और मरीजों पर दम किया। जैसे दम किया तो मरीज जो भले चंगे होने लग गए। अच्छा, मैं बड़ा मुतासर हुआ कि भाई ये तो अजीब मुस्याबु दावाद वली हैं। अब ये दम करके वापस जाने लगे तो मैं दौड़ के उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा हजरत आप जो है वो जिस्मानी अमराज का तो इलाज कर रहे हैं, मैं तो रूहानी मरीज़ हूँ, बातिन का मरीज़ हूँ, आप मेरी मुझ पर भी निगाह डालिए। तो उन्होंने फरमाया कि मेरा हाथ छोड़ दो, अल्लाह निगरानी कर रहा है, मतलब अल्लाह देख रहा है, हाथ छोड़ दो मेरा। मैं कह नहीं हजरत आप निगाह करें, ये तो ज़ाहरी मरीज़ थे, मैं बातिन का मरीज़ हूँ, मेरा बातिन संवर जाए। तो फरमाया कि मैंने बताया ना कि अल्लाह निगरानी कर रहा है और अल्लाह ये बात देख रहा है कि तू उसका दस्ते करम छोड़कर किसी गैर का दस्ते करम पकड़े खड़ा है और वो देख रहा है। ये कह के हाथ छुड़ाया और अंदर गार में चले गए। तो गोया कि इशारा कर दिया कि तू मेरा दस्ते करम क्या पकड़ता, उसका दस्ते करम पकड़। अब कहते मैं रात को जब सोया तो आवाज़ आती है, अल्लाह तबारक व ताला की आवाज़ आती है, फरमाया कि मैंने जो है वो अपनी जो है मखलूक के 10 हिस्से कर रखे हैं, 10 हिस्से कर रखे हैं और उनके सामने मैंने जन्नतों को पेश किया, जहन्नुम को पेश किया। तो फरमाया उनमें से जो 9 हिस्से थे मखलूक के वो जन्नतों पर फरेफ्ता हो गए, जन्नतों पर फरेफ्ता हो गए और जन्नतों को मांगने लगे और उसके लिए मेहनतें करने लगे। एक हिस्सा जो है वो उन्होंने उस जन्नत की तरफ इल्तिफात नहीं किया और मेरी तरफ निगाह उठाए रखी, मेरी तरफ निगाह उठाए रखी। तो मैंने फिर उस एक हिस्से की भी आगे 10 हिस्से किए और उनसे मैंने पूछा कि क्या बात है कि मैंने ये जन्नतों के हुस्न जमाल और रानाइयाँ दिखाई, ये 9 हिस्से जन्नतों के सब उस पर कुर्बान हो गए, उस पर फरेफ्ता हो गए और तुम जो ये एक हिस्सा तुम लोगों ने उधर निगाह नहीं उठाई, ना तुम पर जहन्नुम का खौफ तारी हुआ, ना जहन्नुम की जन्नत की रगबत तुम में आई, क्यों? कहते वो जो हिस्सा था, जो एक हिस्सा जिसको मैं 10 कर दिए थे, वो बोले, वो कहने लगे रब्बे जुल जलाल तू जानता है हमें क्या चाहिए, हम जन्नत नहीं चाहते ना जहन्नुम से डरते हैं, हम जिसको चाहते हैं तू जानता है और वो कौन है, वो खालिक जन्नत है, हम तो जन्नत के बनाने वाले को चाहते हैं, हमें तेरे अलावा कोई चाहिए नहीं, इसलिए हमारी निगाह तो तुझ पर है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वो एक हिस्सा है कि जो सिर्फ जो है वो जन्नतों से हट के जन्नतों के मालिक और खालिक को चाहता है। तो गोया के इशारा कर दिया कि जुन्नून मिस्री तू उसमें से है, तो उस हिस्से में से है, लिहाजा तभी वो उस अल्लाह वाले ने अपना दस्ते कर्म छुड़वाया कि मुझ पे क्या निगाह रखता है, मेरे मालिक को खालिब पे निगाह रख, तू तो उस कैटेगरी में से है कि जो खुदा को देखते हैं खुदा की जन्नत को नहीं देखते। इसी पर राबिया बसरिया फरमाती है ना कि मैं जो आज जो है जहन्नुम को जो बुझा दूंगी और जन्नत को जला दूंगी, एक हाथ में पानी एक हाथ में आग लेके चल पड़ी। लोगों ने कहा कैसे? कहा कि मैं इसलिए जला दूंगी जहन्नुम को, जन्नत को इस आग से, कि लोग जन्नत की रगबत मेरे मालिक को याद करते हैं, जन्नत चाहने के लिए मेरे मालिक को याद करते हैं, या जहन्नुम के खौफ से मेरे मालिक को याद करते हैं, लिहाजा आज मैं जहन्नुम को बुझा दूंगी, जन्नत को जला दूंगी, ताकि लोग अगर मेरे महबूब को याद करें तो मेरे महबूब के लिए याद करें, उसकी मोहब्बत में फरेफ्ता हूं। ये वो आला मकाम है ईमान का कि जो किसी किसी को नसीब होता है, जो इस पे कदम रखता है फिर खुदा उसका हो जाता है और वो खुदा का हो जाता है। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी
کرنے والی بات ہے, والی بات ہے بالکل. یہ معلوم نہیں کہ کس کو وہ مقام مل جائے اگر وہ کوشش کرے. کوشش کرے بالکل, کوشش میں ملتا ہے. بہت 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 ایمان افروز بات ہے, بہت خوبصورت ہے.